कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर घर परिवार और समाज में चर्चा भी होती है और बहस भी। सोशल अड्डा में आज ऐसी खबर पर चर्चा करेंगे जो शहर की सड़कों पर बने फुटपाथ से जुड़ी है। आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि पैदल चलने वालों के लिए बने फुटपाथ चलने लायक नहीं होते हैं। कहीं उन पर अतिक्रमण हो जाता है तो कहीं वो टूटे फूटे रास्ते में बदल जाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई शहर के फुटपाथों को लेकर बीएमसी से उचित कदम उठाने को कहा है। हाईकोर्ट ने बीएमसी से कहा है कि वो ये सुनिश्चित करे कि शहर में बने फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए लायक हों। हाईकोर्ट ने फुटपाथ पर बिना लाइसेंस वाले फेरी वालों की तरफ से किए गए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में खुद ही फुटपाथ से जुड़ी समस्याओं पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने कहा था कि फेरी वालों की वजह से शहर में फुटपाथ संकरे हो गए हैं और उनमें से ज्यादातर पैदल चलने वालों के लायक नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि बीएमसी को फुटपाथों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाने के लिए नियमों को लागू करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बुजुर्ग लोग बिना किसी परेशानी के फुटपाथ पर चल सके, क्योंकि फुटपाथ पर जगह जगह पेवर ब्लॉक है, बाहर निकलते रहते हैं और पैदल चलने वालों के लिए समस्या पैदा करते हैं, जिसकी वजह से खासतौर पर बुजुर्ग नागरिक लाठियों से चलने के बावजूद ठोकर खाकर गिर जाते हैं। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने बीएमसी को 1 मार्च तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। बीएमसी ने कोर्ट को बताया है कि अतिक्रमण के मुद्दे को हल करने के लिए कई फेरी वालों को हटाया जा रहा है और स्पेशल हॉकिंग जोन बनाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 मार्च की तारीख तय की है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक आदेश में हाल ही में कहा है कि जो बीएमसी है वो जो फुटपाथ है मुंबई के उसे चलने लायक बनाए। मुंबई में जनरली चलते हैं या गाड़ी वाड़ी से जाते हैं? नहीं, नॉर्मल वॉकिंग ही ज्यादा होता है, गाड़ी बहुत कम। तो कोई समस्या आती है जब आप फुटपाथ? बहुत लाइक जब ये हरी रहता है पब्लिक फुटपाथ को भी नहीं छोड़ते, रोड तो था ही, फुटपाथ में भी गाड़ी चढ़ा देते। हाँ, चलने का कुछ आधे टाइम तो फुटपाथ दिखता भी नहीं है ना। नहीं, सीरियसली नहीं दिखता। मुंबई हमारी सबकी जान है, मुंबई हमारी इनकम सोर्स है और यहाँ पे पूरा जिंदगी चलता आना जाना। और एक लिविंग लाइफ में अगर ऐसे होता कि यहाँ के जो फुटपाथ है वो इतने कंजेस्टेड होने लगे कि आम इंसान चल नहीं पाता। सेकंड थिंग, यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक है, आप जैसे देख सकते हो कि पीछे कैसे यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने गाड़ी पार्क कर दी है, ये एक रीजन नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो इससे एक कॉमन पीपल को बहुत तकलीफ होती है। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ सोचना चाहिए, जैसे कि बीएमसी, तो बीएमसी का कुछ ऐसा रूल्स होना चाहिए कि भाई इसको किस तरह से आगे बढ़ाए ताकि अदर पीपल लोगों को, जैसे स्कूल छुट्टी है, कॉलेज स्टूडेंट है, प्रेग्नेंट लेडीज है, अदर जो भी पीपल है, कॉमन पीपल, उनको तकलीफ ना हो। आप गाड़ी चलाते हैं क्या? आपने ये देखा है कि फुटपाथ पे भी आजकल लोग गाड़ी चला लेते हैं? फुटपाथ पे भी क्या आजकल दुकानें भी हैं, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे? आपको ऐसा लगता है कभी? हाँ, मैं नहीं चलाती। तो आप नहीं चलाती? चलिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वो नहीं चलाते हैं, लेकिन हाँ, मुंबई में कई सारे लोग, क्योंकि सड़क भी इतनी पतले हैं तो लोग फुटपाथ पे गाड़ियां भी चला देते हैं, जिसकी वजह से पेडेस्ट्रियंस के लिए बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। और यही वजह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह आदेश मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर को दिया है।